Assalamu alaikum everyone, this is Dr. Malin Khan. I am a consultant cosmetic surgeon profession and today I am going to tell you about post-operative care of rhinoplasty. This is the most frequently asked question about nose job. Doctor sahab, surgery ke baad mere naak pe kitne time tak swelling rahegi ya mujhe kya precautions deni hai ya mujhe naak ka kis tarah khayal rakhna hai. To aapne karna kya hai ki aapne rhinoplasty ke fauran baad aapke naak ke upar ek splint hoti hai ya patti hoti hai. दो किस्म की पट्टियाँ होती हैं, एक नरम पट्टी होती है या टेप्स जो आप अक्सर घरों में भी इस्तेमाल करते हैं, मगर हमारी चूंकि मेडिकल टेप होती है, मगर टेप्स दोनों एक ही तरह की हैं. वो इनिशियली नीचे की तरफ हम वो टेप लगाते हैं और उसके ऊपर एक हार्ट स्प्लिंट लगाते हैं, एक सख्त किस्म की पट्टी होती है. ये पट्टी आपके चेहरे पर 7 दिन तक रहती है और 7 दिन के बाद हम आपको बुलाते हैं जिसमें हम वो पट्टी उतार देते हैं, मगर नीचे जो उसकी सॉफ्ट पट्टी होती है वो हम फर्दर 2 वीक्स से चलाते हैं. तो आपको डेट ऑफ सर्जरी से अगले 3 हफ्ते तक, 2 से 3 हफ्ते रफली 14 to 21 डेज तक आपके फेस पे एक नरम सी पट्टी या टेप की तरह की चीज़ आपकी नाक पे होगी. और इसका पर्पज़ हमारा ये होता है कि जो हार्ड पट्टी होती है उस हार्ड पट्टी का पर्पज़ ये है कि वो आपकी नाक की जो शेप है उसको एक जगह पे स्टेबल कर देती है और 7 डेज बाद हम उतार देते हैं. वो जो नरम पट्टियाँ होती हैं या टेप्स होती हैं उनका पर्पज़ ये होता है कि वो आपकी नाक की जो स्वेलिंग है उसको वो डाउन करने में मदद देती है, यानी कि वो जल्दी आपकी फेस पे जो सूजन होती है या नाक पे जो सूजन होती है उसको जल्दी से ख़त्म कराने में मदद देती है. अच्छा, अब ये सूजन कितने टाइम तक रहती है? ये सूजन आपकी 80% सूजन आपकी फर्स्ट मंथ में रिड्यूस हो जाती है और जो 20% रह जाती है वो आपकी 6 to 8 months में ख़त्म होती है और आपकी फाइनल शेप को आने में 6 से 8 महीने लगते हैं. मगर इस बात को सुनने के बाद आपने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये शेप जो आपकी इमीडिएटली पट्टी के बाद होती है वो उस शेप से काफ़ी बेहतर होती है जो आपकी राइनोप्लास्टी से पहले की शेप होती है. तो आपको नाक अपनी डे वन से पसंद आएगी, मगर इसमें कंटिन्यूसली 6 to 8 months तक इम्प्रूवमेंट आती रहेगी. अच्छा, इसके अलावा आपने मोटी मोटी प्रिकॉशन ये है कि आपने नाक पे किसी किस्म की कट्रोमा नहीं करना, किसी किस्म का प्रेशर नहीं डालना. लेट से आप मुँह धोते हैं, मुँह धोते वक्त आपने नाक पे ज़ोर से मतलब हाथ नहीं मारना होगा या पानी ज़ोर से नहीं मारना होगा, या आप जब सजदा करते हैं नमाज पढ़ते हुए तो आपने नाक को ज़मीन पे बहुत ज़ोर से नहीं रखना या प्रेशर ज़्यादा नहीं डालना आपने, क्योंकि उस सूरत में आपकी नाक में डेविएशन आने के या नाक की शेप को चेंज होने का ख़तरा होता है. इसके अलावा आपकी नाक के अंदर चूँकि आपने सेप्टम निकाला होता है, आपकी नाक के दरमियानी वाला पिलर जो है वो सूजा होता है, तो आपकी नाक कुछ टाइम तक आपको बंद महसूस होगी, आप नाक से प्रॉपरली सांस नहीं ले पाएंगे. इमीडिएटली आफ्टर सर्जरी आपको मुंह से सांस लेनी होती है और तकरीबन एक से दो हफ्ता आपकी नाक जो है वो बंद रहती है, जिसके लिए हम आपको कुछ स्प्रेज होते हैं जो आपकी नाक की सूजन को कम करने में मदद देते हैं. वो हम डे 2 से स्टार्ट कर देते हैं और डे 2 से ऑनवर्ड्स आपको वो स्प्रे फॉर नेक्स्ट 2 to 4 weeks यूज़ करना होता है, जिससे आपकी नाक की दरमियानी वाले हिस्से की स्वेलिंग कम होगी और आपको सांस लेने में मदद होगी. बाकी तमाम सर्जरीज की तरह आप एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स फॉर द फर्स्ट सेवन डेज लेते हैं. तो ये मोटी मोटी वो प्रिकॉशंस हैं जो आपने लेनी है. आपके नाक पे प्रेशर जो है वो फर्स्ट मंथ में बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए और आगे भी 6 to 8 months तक आप इतना प्रेशर ना डालें, मतलब एबनॉर्मल प्रेशर ना हो. आप नॉर्मल नाक साफ कर सकते हैं, आप मेकअप कर सकते हैं, मगर आप को कोई एक्सट्रीम प्रेशर नाक पे नहीं डालना. इसके अलावा स्पोर्ट्समैन यूजली या स्पोर्ट्स वीमेन जो लोग खेलते हैं वो कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स से फॉर द फर्स्ट मंथ अवॉइड करें. आप ऐसा कोई भी गेम ना खेलें जिसमें आपकी नाक कहीं से हल्की सी से टकराने का खतरा हो. आपका नाक स्टेबल होने में 6 to 8 weeks लगते हैं, वो नाक आपकी 6 to 8 weeks में स्टेबल हो जाएगी, मगर इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि 6 to 8 weeks के बाद आप बॉक्सिंग शुरू कर दें. आपने नाक का हमेशा सारी ज़िंदगी ख्याल रखना है, क्योंकि नाक जो है, मैंने राइनोप्लास्टी नहीं कराई मगर मैं भी जाके बॉक्सिंग करूँगा तो मेरी नाक की भी शेप चेंज हो सकती है. तो ये मोटी मोटी प्रिकॉशंस थी, आपने ये लेनी होंगी. आई होप कि आपको मेरे राइनोप्लास्टी पेशेंट्स को इस वीडियो से काफ़ी मदद मिलेगी. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो.